मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर रिवियस टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 9. इट्स रेनिंग. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट वर्ड इज ड्रॉप, DROOP. ड्रॉप मीन्स बेंड और हैंग डाउन वर्ड्स. डैट मीन्स नीचे की ओर झुकने को ड्रॉप कहते हैं. That means झुकना. Another word is drop. DROP. Drop means small particle of a liquid. तरल पदार्थ के छोटे कण को drop कहते हैं. That means बूंद. Another word is pour. POUR. Pour means to rain in torrents. That means मूसलाधार पानी बरसना. Okay. Next word. Thunder. THUNDER. Thunder means the deep rumbling sound after a flash of lightning. बिजली चमकने के बाद की जो करगराहट होती है उसे thunder कहते हैं. Okay. Another word is hail. HAIL. Hail means frozen raindrops falling from the sky. रेन की बूंद जो कि थोड़ी सी जमी होती है और वो स्काई से गिरती है उसे हम हेल कहते हैं. डैट मीन्स ओला. अनदर वर्ड इज चीम. CHIME. चीम मतलब साउंड ऑफ बेल. घंटियों के साउंड को चाइम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सेसिव. EXCESSIVE. एक्सेसिव मीन टू मच. डैट मीन्स बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट इंटेंस. INTENSE. इंटेंस में हाई इन डिग्री. डैट मीन्स थ्रू. अनदर वर्ड इज इवोपरेट. EVAPORATE. इवोपरेट में चेंज इनटू वेपर. वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को इवोपरेट कहते हैं. अनदर वर्ड इज ऑकर. OCCUR. ऑकर मीन्स टू टेक प्लेस या टू हैपन. That means घटित होना. Another word is precipitation. When water fall from clouds in the form of rain. जब water बादल से नीचे गिरती है और वो भी form of rain, rain के रूप में नीचे गिरता है तो उसे precipitation कहते हैं. That means वर्षा या हिमपात. Okay. Everyone must remember and write word meaning. That's it. Thank you.